साथियों, कर्मचारियों की पांच बड़ी खबरें। पूरी व लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो पहली खबर की ओर चलते हैं। शिक्षकों का पदनाम ओल्ड पेंशन, केंद्र के समान महंगाई भत्ते के लिए दिया ज्ञापन। आइए देखते हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री ग्रीसी गौतम को भोपाल में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के त्रिसूत्री ज्ञापन को, जिसमें सहायक शिक्षकों को पदनाम, संविलियन शिक्षकों को ओल्ड पेंशन तथा केंद्र के समान डीए की मांग को लेकर प्रांतीय महामंत्री छत्रवीर सिंह राठौर, भोपाल संभाग के संगठन मंत्री देवीदयाल भारती तथा रीवा जिला अध्यक्ष कौशलेंद्र मणि त्रिपाठी ने चर्चा की और ज्ञापन सौंपा। और माननीय विधानसभा स्पीकर ने इस संबंध में शीघ्र ही सीएम साहब से चर्चा करने और पत्र भेजने का आश्वासन भी दिया। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। अगली बड़ी खबर ट्रांसफर को लेकर आई। तबादलों की नई तारीख तय नहीं हुई है और पिछली तारीखों में निकल रहे नए नए आदेश। प्रदेश में स्थानांतरण की आखिरी तारीख 7 अगस्त निर्धारित की गई थी। इस सीमा को बढ़ाने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, पर विभाग पिछली तारीखों में आदेश जारी कर रहे हैं। श्रम विभाग ने 6 अगस्त को तबादले किए, वहीं कर्मचारी राज्य बीमा सेवा संचालनालय ने 12 अगस्त को आदेश सहित निर्देश जारी किए। इसमें अधीक्षक, बीमा चिकित्सा अधिकारी, सहायक शल्क चिकित्सक और दंत चिकित्सकों को प्रशासकीय और स्वैच्छिक आधार पर तबादला किया गया, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 अगस्त को कैबिनेट बैठक में मौखिक निर्देश दिए थे कि तबादलों को स्थगित रखें, 15 अगस्त के बाद इन पर विचार किया जाएगा। बड़ी खबर, एमपी के अधिकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात। आइए देख लेते हैं राज्य शासन को भेजा गया ये प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल वन विभाग के मैदानी अधिकारी कर्मचारियों को जल्द पदोन्नति दी जा सकती है। विभाग ने इस मामले में तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग ने पुलिस की तर्ज पर ही वन विभाग के अधिकारियों को पदोन्नत करने का फैसला किया है, जिसमें डिप्टी रेंजर सीनियरिटी के आधार पर रेंजर को प्रभार दिया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल वन विभाग के इसके लिए प्रस्ताव तैयार भी कर लिया है, वहीं इसे शासन को भेजा जा चुका है। जो कर्मचारी 5 साल से अधिक समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। डिप्टी रेंजर को सीनियरिटी के आधार पर रेंजर का प्रभार दिया जा सकता है, जिसके बाद फॉरेस्ट एक्ट के तहत शिकार, चोरी और अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई में तेजी आएगी। वन विभाग में जिला संभाग और राज्य सेवा के लगभग 25,000 से अधिक पद, जिनमें 3,000 से अधिक पदोन्नत से भरा जाना है। वहीं इन रिक्त पदों को भरने के लिए भी कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए विभाग द्वारा उच्च पदों का प्रभार देने की तैयारियां शुरू कर दी गई। अगली बड़ी खबर, संविदा एएनएम को नियमित करने और वेतन विसंगति दूर करने की मांग की गई है। इससे ये खबर भोपाल से लगी है। फीमेल हेल्थ एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की गठित नई कार्यकारिणी ने संविदा एएनएम सहायक नर्सदाई को नियमित करने, वेतन विसंगति दूर करने समेत कई मांगों को उठाया गया है। नई कार्यकारिणी का गठन सेवानिवृत्त आईएएस श्याम सिंह कुमरे और कर्मचारी नेता लक्ष्मी नारायण शर्मा की मौजूदगी में गुरुवार को हुआ, जिसमें संविदा को नियमित करने और वेतन विसंगति की दूर करने की मांग की गई। आखिरी और बड़ी घोषणा, सीएम की घोषणा की गई है कि 10वीं एवं 12वीं मेरिट पर मिलेगी अब सरकारी नौकरी। विशेष खबर भोपाल से। प्रदेश के सरकारी महकमों में चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के चुनिंदा पदों पर भर्तियों के लिए चयन परीक्षा समाप्त करने जा रही है। इसकी जगह 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के मेरिट अंकों के आधार पर आवेदनकर्ताओं को इन पदों पर शासकीय नौकरियां की नियुक्ति दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी महकमों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखकर पूछा है कि उनके विभाग में ऐसे कितने पद हैं जिसमें शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं और 12वीं हैं। ऐसे पदों को चिन्हित करते हुए विभाग की भर्ती प्रक्रिया भी बताएं और सामान्य प्रशासन विभाग को जानकारी भेजें। राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी महकमों की कुछ चिन्हित सेवाओं में चयन के लिए परीक्षा की व्यवस्था समाप्त करेगी। इसके स्थान पर ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी कि इन शासकीय पदों के लिए जो आवेदन करेंगे उनमें से 10वीं और 12वीं के अंकों को मेरिट की सूची तैयार की जाएगी। इसमें चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कुछ पद शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में घोषणा की थी कि शासकीय नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षा की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। चिन्हित पदों पर युवाओं के 10वीं और 12वीं परीक्षा में मिले अंकों की मेरिट के आधार पर उनकी भर्ती की जाएगी। अब मुख्यमंत्री की इस घोषणा को पूरा करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।